के बढ़ते संक्रमण के चलते महाराष्ट्र युवक कांग्रेस की ओर से राशन दुकानदार और हर निजी और प्रशासकीय अस्पताल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बीमा का संरक्षण देने के विषय पर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त उनका कहना था कि भविष्य में कोई कोरोना की चपेट में आए तो उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोविड की इस लहर में दिन रात प्रत्येक जिले में बढ़ते कोविड केंद्र में कर्मचारियों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्सों की सुरक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आज हमने जिलाधिकारी कार्यालय में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की तरफ से एक निवेदन दिया। हमारी ये सरकार से मांग है कि पिछली बार जैसे देखा गया है कि राशन दुकानदार जिन्होंने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को राशन दिया, वैसे पीएम मोदी ने आज इस बार अनाउंस किया कि अगले आने वाले 2 माह में वे फ्री राशन देने वाले। तो हमारा कहना ऐसा है कि इन सभी राशन दुकानदारों को पीपीई किट मुहैया कराया जाए, साथ ही इनका बीमा संरक्षण किया जाए ताकि उनकी भी एक फैमिली है, उनको अगर कल चल के कोविड से का प्रादुर्भाव होता है तो वे अपने आप को संरक्षित कर सके। यह हमने सरकार से मांग की कि हर राशन दुकानदार को पीपीई किट और बीमा का संरक्षण दिए। साथ ही हमने ये मांग की कि जिस तरह से पिछले वेव के बाद में ये सेकंड वेव में कोविड के सेंटर बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये वेव बहुत ही ज़्यादा प्राणघातक है, तो इसमें जिन लोगों को आजी माजी, जिन भी लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वार्ड बॉय और नर्सेस को काम पे रखा गया है, वे 4 माह बाद में जब कोविड की वेव कम हो जाएंगी तो उनको निकाला जाएगा। तो इस बीच में अगर इनको खासगी हॉस्पिटल में रखने के बाद में इन सभी कर्मचारियों को, वार्ड बॉय, नर्सेस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संरक्षित बीमा से किया जाए, यह हमारी सरकार से मांग है। हमने ये रविंद्र ठाकरे जी के जिलाधिकारी के मार्फत यह मांग और खुद उद्धव ठाकरे को भी एक निवेदन दिया है। यह सत्यजीत तांबे के मार्गदर्शन में हमने किया।